ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। उन्होंने आज हमीरपुर में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में बेसहारा घूम रहे पशुओं को जल्द ही छत मिलेगी और इससे सड़क हादसे में भी कमी आएगी। इसके लिए सरकार बड़े पैमाने पर गौ अभयारण्यों का निर्माण कर रही है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश मनरेगा में बेहतर कार्य कर रहा है। इस योजना के माध्यम से जहां पहले महज 250 करोड़ रुपए के कार्य हो रहे थे, वहीं अब ये राशि बढ़कर 2500 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इससे कोरोना काल में लोगों को घर द्वार पर ही रोजगार भी मिला है। हिमाचल प्रदेश के अंदर मनरेगा में बहुत अच्छा काम हुआ है जब से सरकार बनी है, क्योंकि हमने कन्वर्जेंस मॉडल जो है वो प्रदेश के अंदर अपनाया है कि विभिन्न स्कीमों को एक करके जो है वो हम उस धन को जो है वो खर्च कर रहे हैं, जिसके माध्यम से गांव के अंदर हमारी क्या प्राथमिकता रही कि गांव के अंदर एम्बुलेंस रोड की ज़रूरत है, मोक्ष धाम की ज़रूरत है, पंचवटी की ज़रूरत है, तो हमने कहा है कि एक पंचायत जो है वो एक साल में अपनी 5 प्राथमिकताएँ चुने और उसको शर्त पर डाले, और आज उसके माध्यम से जहाँ 200-250 करोड़ खर्च होता था, आज वहाँ पर जो है वो कम से कम 2-2500 करोड़ तक जो है वो हम पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जहाँ लोगों को रोज़गार भी मिला कोरोना के समय में, और वहीं पर मूलभूत सुविधाएं भी पैदा हुई और आधारभूत ढांचा भी गांव के अंदर जो है वो खड़ा हुआ है।